Hello everyone and welcome back to my channel. So today I am going to share with you this makeup look which is inspired by Disha Patni's YouTube makeup look which is a summertime pink glowy makeup look. I hope you will like this video. If you did, please don't forget to like, share and subscribe to my channel and also hit the notification bell so that whenever I am going to upload a new video you will be notified about that. So without any further ado, let's move on to the video. तो मेकअप के पहले जो भी स्किन केयर रूटीन होता है वो मैंने सारा फॉलो कर लिया है। अब यहाँ पर मैं बीबी क्रीम अप्लाई कर रही हूँ, पॉन्ड्स की बीबी क्रीम यहाँ मैंने ली है बिकॉज दिशा पाटनी ने भी बीबी क्रीम ही अप्लाई किया था, कोई फाउंडेशन यूज़ नहीं किया था एंड कोई भी प्राइमर वगैरह भी यूज़ नहीं किया था, इसीलिए मैंने भी प्राइमर यूज़ नहीं किया है। अब यहाँ पर मैं अच्छी तरीके से अपना बीबी क्रीम जो है अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी एंड कंसीलर के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ मेबेलिन का फिट मी कंसीलर इन द शेड मीडियम टू लाइट एंड देन इसे ब्रश की हेल्प से मैं पूरी आईज़ पे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी एंड हल्का सा नोज़ पे एंड फोरहेड पे भी मैं अप्लाई कर रही हूँ एंड इसे भी ब्रश की हेल्प से ही मैं ब्लेंड कर लूँगी एंड देन ब्यूटी स्पंज लेके मैं इसे ठीक से ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई भी हार्श लाइन वगैरह नहीं रहे। यहाँ पर मैं ले रही हूँ भरत एंड डोरिस का लूज़ पाउडर एंड जहाँ पर भी मैंने कंसीलर अप्लाई किया है उन एरियाज़ को मैं सेट कर लूँगी ताकि क्रीजिंग ना हो एंड बहुत ही हल्का हल्का सा पाउडर लेके पूरे फेस को भी अच्छे तरीके से सेट कर लूँगी। अब यहाँ मैं ले रही हूँ मिस क्लेयर का आई शेडो, ये लाइट पिंक सा शेड है, इसे पहले मैं अपने क्रीज एरिया पे अप्लाई कर रही हूँ एंड उसके बाद थोड़ा बहुत जो भी रेस्ट बच जा रहा है मेरे ब्रश में पूरी आईज़ पे मैं अप्लाई कर ले रही हूँ। यहाँ पर मैं राउंड सर्कुलर मोशन यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरा जो आई शेडो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाए और कोई भी हार्श लाइन नज़र ना आए। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का अल्टीमेट आई शेडो पैलेट, इसमें से ये डार्क पिंक शेड ले रही हूँ एंड अपने आउटर वी पे इसे अप्लाई कर रही हूँ एंड हल्का हल्का अपने लिड पे भी इसे अप्लाई कर रही हूँ। अब इसमें से ये शिमरी शेड ले रही हूँ एंड सेंटर ऑफ माई लिड पे इसे अप्लाई करूँगी। अब अगेन मैं ये डार्क पिंक शेड ले रही हूँ एंड इसे अपनी लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ मेबेलिन का लिप लाइनर इन द शेड रेड बिकॉज दिशा ने रेड आई लाइनर यूज़ किया था बट आई डोंट हैव रेड आई लाइनर, तो यहाँ पर मैं लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ एंड इसे मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे लगा के अच्छी तरीके से ब्लेंड करूँगी एंड आउटर की तरफ ड्रैग करूँगी इस तरीके से जैसे कि मैंने कोई आई लाइनर वगैरह अप्लाई किया हुआ है। अब मैं अपने आई लैशेज़ को कर्ल कर लूँगी। यहाँ पर मैं ले रही हूँ सिवाना कलर्स का हाइलाइटर, बहुत ही अच्छा हाइलाइटर पैलेट है, इसमें से ये लाइट पिंक शेड ले रही हूँ एंड इसे अपने आईलिड के सेंटर पे अप्लाई कर रही हूँ बिकॉज दिशा ने भी अपने आईलिड के सेंटर पे बहुत ही स्पार्कली सा लाइट पिंक शेड अप्लाई किया था। एज यू कैन सी दिस इज़ अ वेरी गुड हाइलाइटर, आईज़ में काफ़ी ग्लोई सा लुक आ जाता है। अब यहाँ पर मैं अपनी आईलैशेस को कोट कर लूँगी एंड यहाँ मैं ले रही हूँ मेबेलिन का कॉलोसल मस्कारा, तो इससे मैं अपनी अपर आईलैशेस और लोअर आईलैशेस दोनों को कोट कर लूँगी।
to like and share. See you in my next video. Till then, take care and bye.